हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही का मैं जवाब देने वाला हूँ, जो आप बार बार पूछ रहे थे कि CSR नेट गेट की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किससे आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने पहले, जैसे आपको बोला हुआ है पहले भी, कि आप चाहे बुक पढ़ें, चाहे आप नोट्स पढ़ें, चाहे आप किसी कोचिंग को फॉलो करें, पर कोई भी एक चीज़ करें और उसे अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। पर फिर भी आप लोग चाहते थे कि मैं आपको कुछ बुक रेफ़र करूं, फिज़िकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की, जिससे कि आप सब्जेक्ट को बेहतर बना सकें और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके वो काम आ सके। तो पहले, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बुक पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके वो बुक कौन सी पढ़नी चाहिए वो मैं आपको रेफ़र करूँगा। पर अगर यहाँ पे वो कैंडिडेट या वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी जून में पेपर देने वाले हैं और उसके लिए 75 डेज ही रह गए हैं, तो प्लीज़ वो ऐसा काम ना करें और वो कोई भी मेरी बताई हुई बुक को अभी रेफ़र ना करें। मैंने आपसे बोला हुआ है कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से की है आप उसी को रिवाइज़ करें और कोई भी बुक को अब ना खोलें। और आपको ज़रूरत नहीं है अब किसी भी एक सिंगल पेज पढ़ने की किसी भी बुक का। इनफैक्ट आप जो भी कंटेंट अभी फॉलो कर रहे हैं आप उसे ही फॉलो करें, और या अगर आप बुक पढ़ भी रहे हैं तो आप वही बुक पढ़ें जो आप पढ़ रहे हैं, उसे ही रिवाइज़ करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो बुक बोलूँगा आप उसे पढ़ने लग जाएँ, तो ये बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। ये बुक मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी फर्स्ट ईयर MSc में और जो दिसंबर का पेपर देने की सोच रहे हैं या जून के लिए अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बुक का नाम बताता हूँ, इनऑर्गेनिक की और फिज़िकल की एंड ऑर्गेनिक की। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं आपको सिर्फ एक ही बुक का नाम बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक बुक का नाम इसीलिए आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कन्फ्यूज़ करूँ, और मैंने भी सिर्फ एक ही बुक आज तक पढ़ी है और एक ही बुक से मुझे अच्छा कंटेंट मिल जाता है, और उसके बाद मैंने नोट्स पढ़े हैं बस। और बुक जो मैंने पढ़ी थी वो भी ड्यूरिंग मास्टर्स पढ़ी थी, प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़ी थी। तो कहीं आप ऐसा नहीं कि आप भी बुक भी पढ़ने लग जाएं और नोट्स भी पढ़ने लग जाएं। तो मैंने एक एक बुक ही पढ़ी थी हर किसी सब्जेक्ट की, इनऑर्गेनिक की, फिज़िकल की एंड ऑर्गेनिक की। तो मैं सिर्फ उन्हीं रेफ़र करूँगा और उन्हीं बुक को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक का अगर आपको अच्छे से पढ़ना है या स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक सीखनी है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए आप ऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी आपके लिए क्लेडन। मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है, मैंने परचेज़ की हुई है। तो ये क्लेडन है, इसे आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये सेकंड एडिशन है, तो कोई सा भी एडिशन आप पे हो तो आप ले सकते हैं क्लेडन का। अब ऐसा मत करना कि आप सेकंड ही लेंगे या कोई फर्स्ट ढूंढेगा, कोई फोर्थ ढूंढेगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी एडिशन हो, बुक सारी सेम ही होती है। एडिशन में थोड़ा सा बस कुछ नया अपडेट करना होता है, वो अपडेट कर देते हैं, तो बाकी इतने ज़्यादा अपडेट की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है नेट गेट के पेपर में कि बिल्कुल ही आपके अपडेट से ही कुछ चीज़ आएगी। तो कोई सा भी आपको अगर ये बुक मिलती है कोई से भी एडिशन की तो आप परचेज़ कर सकते हैं। क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेटर बुक है। तो ये मैंने पढ़ी हुई है एक बार, और ये तो नहीं है काफ़ी, इसका मैंने भी पुराना एडिशन ही पढ़ा हुआ था, शायद वो ऑरेंज सॉरी ग्रीन रंग का कुछ आता था तो वो मैंने पढ़ा हुआ था। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इसके आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे होंगे। अब सेकंड बुक की बात करते हैं, तो मैं सेकंड बुक आपको बोलना चाहूँगा कि आप पूरी शर्मा पठानिया ये पढ़ें। ये मेरे पास है पूरी शर्मा पठानिया, आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी बुक है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में इसमें लगभग आपकी पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें ऑलमोस्ट फिज़िकल के सारे टॉपिक अच्छे से कवर हैं, और सारे न्यूमेरिकल भी इसमें इतने अच्छे हैं कि आपको पूरे नेट गेट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो इसका भी आप कोई सा भी एडिशन ले सकते हैं। तो ये तो मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक है, और पता नहीं किस एडिशन की है, एडिशन भी पता नहीं इसका क्या है, आगे तो दिख नहीं रहा है। बस आपको जो भी मिले आप उसे यूज़ कर लें, क्योंकि मैं सही बताऊँ आपको एडिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल हम वही कॉपी करेंगे जो सर ने किया है, या कि कोई आपको ये बोलता है ना कि अगर आप ये एडिशन लें ये ज़्यादा बेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 19-20 का कुछ फ़र्क है तो वो ज़्यादा काउंट नहीं होता। तीसरा आपको इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँ, मैं सबसे बढ़िया तो मैंने आपको बोला कि हुई सबसे अच्छी बुक है, अगर आप हुई आप रेफ़र कर सकते हैं तो। पर हुई इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे रखी है पढ़ने के लिए,
पर इंडियन राइटर में जो मैंने पढ़ी हुई है और ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, अजय कुमार आप ले सकते हैं। इसकी मेरे फ़ोटो स्टेट ही है, अजय कुमार, ये अजय कुमार ऑर्गेनोमेटेलिक की, इसमें बायो इनऑर्गेनिक भी आपको मिल जाएगा। और ऐसी अजय कुमार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आती है, तो इनऑर्गेनिक के लिए अजय कुमार सबसे बेस्ट है, और कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक यही सबसे बड़ा कोर्स है इनऑर्गेनिक के अंदर। तो इससे अगर आप पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपकी इनऑर्गेनिक आपकी ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप अजय कुमार रेफ़र कर सकते हैं, और फिज़िकल के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया, और ऑर्गेनिक के लिए आप क्लीडन रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल भी मुझसे ये ना पूछना कि मतलब कमेंट में कि सर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ ये सही है कि गलत है। तो आप कोई सी भी बुक पढ़ें, आप सारी बुकें सही हैं, बस कोशिश करें कि आप जितना भी पढ़ें ना उसको रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना पढ़ा है या कितनी बुकों से पढ़ा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने जितना पढ़ा वो आपको अच्छे से आता है कि नहीं। देखो, एक फेमस कोट है, या मैंने कहीं सुना, शायद ब्रूस ली ने ऐसा कहा था कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो डिफरेंट टाइप के मूव्स जानते हैं या 1000 टाइप्स के मूव्स जानते हैं, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही मूव को 1000 टाइम्स जिसने किया हुआ है। तो आप उसी तरीके से आप ये समझिए कि आप कितनी डिफरेंट बुक पढ़ते हैं या कितने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी बार पढ़ा और कितने अच्छे से सीखा है। तो आप बुक भी कोई एक ही रेफ़र कर सकते हैं, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे एक ही बुक रेफ़र करी है आपको। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके 10-15 नाम लूँ और आपको कन्फ्यूज़ करूँ। आप बस एक बुक रेफ़र करें, कुछ इक्का दुक्का टॉपिक अगर रह जाते हैं ऑर्गेनिक के नहीं मिलते हैं आपको इन बुक में, या फिज़िकल के या इनऑर्गेनिक के, तो आप नोट्स रेफ़र कर लें और नोट्स भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, या उन दूसरी बुक से थोड़े से बस उन टॉपिक को देख लें। अब ऐसा नहीं कि आप इसी की बुक के टॉपिक को किसी और से भी पढ़ें, और या एक ही ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए 3 बुक पढ़ें, फिज़िकल पढ़ने के लिए 4 बुक पढ़ें, तो ये मत करें बिल्कुल भी। तो आई थिंक मैंने आपके बुक का डाउट को क्लियर कर दिया होगा, और अब आपको आगे इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। और अभी भी आपका कोई डाउट हो बुक के रिगार्डिंग या कैसे स्टडी करें, तो यू कैन मेल मी, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च भी कर सकते हैं CSR नेटगेट नोट्स प्रदीप रावत, तो शायद आपको चैनल डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि लिंक काम नहीं कर रहा है कई बच्चे मुझे कह रहे हैं। और नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं pradeep.r9210@gmail.com में, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही चैनल को आगे ग्रो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।